इस समय बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के आगरा के फतेहाबाद नवीन गल्ला मंडी से, जहां पर मतगणना को लेकर तैयारी चल रही है। वहीं वाराणसी में ईवीएम को लेकर हुए बवाल को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा सपाइयों से सभी मतगणना स्थलों पर सुरक्षा करने के लिए कहा गया है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व मंत्री विपुल पुरोहित के साथ मौके पर पहुंच गए हैं और वहां पर बड़े पैमाने पर उनके द्वारा नारेबाजी की जा रही है। सपा नेताओं का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के दबाव में सरकारी मिशनरी दुरुपयोग कर रही है और वह कुछ भी कर सकती है। ईवीएमों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के द्वारा सभी मतगणना स्थलों पर कार्यकर्ताओं के द्वारा निगरानी की जा रही है, जिसको लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। एपीआई न्यूज के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। किस को लेके आज आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार हम फतेहाबाद नवीन मंडी समिति स्थल पर ईवीएम मशीनों की निगरानी करते हुए यहाँ पर सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के सम्मानित सदस्य सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। हम पूरी रात्रि भर यहाँ पर रुकेंगे, सुबह दूसरी उसमें और लोग आकर के अपनी वहाँ पर देख रेख करेंगे। आज किसको लेकर आपका प्रदर्शन हो रहा है? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार जिस तरीके से वाराणसी में दक्षिण विधानसभा पर जो ईवीएम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आपको ये तौर पर पकड़ी गई, सोनभद्र में ईवीएम और बैलेट पेपर पकड़े गए, एसडी महोदय मौजूद थे, जिसके संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें आदेश दिया सभी कार्यकर्ताओं को मंडी स्थल पर विधानसभा स्तर पर अगर वोट बोली जा रही है मंडी स्थल पर पहुँचने का और निगरानी करने का जो आदेश दिया है उसका हम पालन कर रहे हैं। सभी सम्मानित समाजवादी वरिष्ठ नेता, युवा साथी, सभी लोग मंडी स्थल फतेहाबाद पर मौजूद हैं।